मैं घर पे कम समय बिताकर यहाँ पर सबसे ज्यादा समय बिताया। ये रहा आज का मटन और देखिए कितना ज्यादा, देख के कैसा कैसा आ रहा है भाई बताना। टीवी का हाल देखिए ये दोस्तों, बिना चले हुए इसमें पटाखा फूट रहा है। क्या कर सकते हैं, छोड़ो भाई अगले साल आएगा फिर, क्योंकि भाई को जाने का इच्छा था तो मना नहीं कर सकते, क्योंकि उसके वजह से मैं हमने क्या किया एक टीवी देखा और इसको बनवा के लेकर आ गया। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। सो एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है एंड आज के दिन की शुरुआत क्या बताऊँ, तो अगर आपने मेरा लास्ट दो वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा वहाँ पर मैंने मिर्चा बहुत ज़्यादा खाया था, जिसके वजह से मैं घर पे कम समय बिताकर यहाँ पर सबसे ज़्यादा समय बिताया। समझ रहे हो ना क्या हुआ था। तो यही आज का दिन का शुरुआत एंड फिलहाल अभी आपके 11:30 का ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी नहीं किया, तो अभी मैं आया हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। एंड एक्चुअली क्या ना, आज दुकान पर बहुत कम ही बैठा, सबसे ज़्यादा तो यहीं पर बैठा सुबह से। अगर आप मेरा पिछला वाला वीडियो देखोगे तो आपको पता होगा कि मेरे अब्बा एक बकरी लेकर आए थे, कल ही लेकर आए थे और कल ही गुम हो गया था एंड उसको बहुत देर तक ढूंढा भी, हम मेरे दोनों बहनों ने ढूंढा, अम्मी ने, सभी लोग ने ढूंढा पर वो मिला नहीं। बट बहुत ढूंढने के बाद फिर भी नहीं मिला तो हमने छोड़ दिया, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा चलिए उसके बाद नमाज पढ़ी अम्मी, उसके बाद दुआ वगैरह मांगी एंड देखिए क्या, रात के करीब 11:30 वो बकरी खुद की खुद आ चुकी थी भाई साहब। बट उसके बाद रात को ना कितना ज़्यादा, मतलब लाइक बहुत टेंशन लेकर हम लोग सब सो रहे थे, बट वो रात को जैसे है ना सब टेंशन फ्री। तो ये सबसे अच्छा गुड न्यूज़ सुबह सुबह का, एक और बेड न्यूज़ तो आपने सुनी ला। फिलहाल चलो दोस्तों अभी ब्रेकफास्ट करते हैं एंड ब्रेकफास्ट करके आज एक जगह जाने का प्लान है, देखते हैं वो होगा कि नहीं होगा, होगा तो आपको देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा वेस्ट नहीं करते क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो आज का मेरा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट सिर्फ रोटी और कुछ नहीं है, आज यही खाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, एक्चुअली क्या ना मैं बहुत लेट से ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ एंड आपको पता है कि ब्रेकफास्ट तो सुबह बन जाता है, उसके बाद क्या है ना अभी जो सब्जी है ना वो ठंडा हो चुका है, तो जिसके वजह इसको गर्म करने के लिए रखा हुआ है, गर्म करके जैसे आएगा उसके बाद खाकर उसके बाद डायरेक्ट दुकान चलेंगे। तो आप ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, जैसे आएगा मैं खा के अब चलूँगा दुकान, तो आपसे मिलते हैं एक बार ब्रेकफास्ट करने के बाद। ब्रेकफास्ट वगैरह हो भी चुका है और ब्रेकफास्ट जहाँ जमा करना था वो करके आ भी चुका हूँ, जो खाया वो सारा 10 मिनट भी नहीं रुका और उसको निकाल के आ गया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कितने दिनों से टीवी खराब था, आज जाके बनवा के हमने लेके आ गए। एक्चुअली क्या हमारे पास दो टीवी था, एक खराब, एक मतलब चलता था बट उसका साउंड बहुत ज़्यादा खराब था और इसका डिस्प्ले काम नहीं करता, तो हमने क्या किया एक टीवी देखा और इसको बनवा के लेकर आ गया। तो अब इसको ऊपर रखना है, इसका साफ सफाई हो रहा है, उधर सभी ये साफ कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों का टीवी रखा जाएगा। वैसे पहले भी यहीं पर रखता था बट आई विश कि ये अब चलने लगे एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि अभी ये वाला बोर्ड काम नहीं कर रहा, अब इसको भी ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद देखते हैं कि चालू होगा कि नहीं होगा। हो गया साफ, हो जाएगा ना, उठा देगा पा, सिग्नल तो मिल जाएगा इसका, वो बस वो का कनेक्शन पहले देखना पड़ेगा, डायरेक्ट टीवी लगा के देख लेगा, इसमें तो लाइट है ना ये वाला में, दोनों में नहीं है, तब तो चलो पहले टीवी उठाएगा उसके बाद देखते रहे तो लाइट का। हाँ उसमें प्रॉब्लम होगा तभी जाके, वो खोल के देखने से ना उसका अंदर में कुछ प्रॉब्लम होगा पता चलेगा, तार वार टूटा हुआ तो वही बस पहले टीवी उठा देगा ना, साफ हो गया। तो इसका प्रॉब्लम देखिए यहाँ पता चल गया, ये वाला तार टूटा हुआ था, बस यहाँ पर इसको जॉइन कर देना, उसके बाद ये बोर्ड वर्क करने लगेगा एंड आई विश कि ये भी काम करेगा और अपना टीवी चलने लगेगा। देखते हैं क्या होता है, सबसे पहले इसको जॉइन कर लेते हैं। अभी मुझे जाना पड़ेगा दुकान क्योंकि भाई पहुँच गया है घर पर और उसे टॉयलेट लगा हुआ है, तो निकले आया घर पर इसलिए मुझे दुकान जाना पड़ रहा है और अपना जो काम है वो हो रहा है, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, फिलहाल अभी जाना पड़ेगा दुकान। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आज एक जगह जाना है एंड कौन सा जगह वो मैंने मतलब बताया नहीं था क्योंकि कंफर्म तो था, हम लोग प्लानिंग भी करके रखा था कि जाना है बट नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी दुकान पर मुझे बैठना पड़ेगा और मेरे जगह मेरा भाई चला है, तो भाई के लिए मैं अपना ये प्लानिंग को कैंसिल कर दूंगा, तो भाई चला गया और दुकान पर ही बैठना पड़ेगा क्योंकि पापा अकेला कर नहीं पाएंगे, तो भाई के लिए आज सेक्रीफाइस। हाँ तो क्योंकि मतलब लाइक मेला जाने बहुत ज़्यादा इच्छा था और बहुत सारे लोग भी मुझे मतलब कमेंट किए थे और दोस्त लोग भी बोले थे कि आप वो मेला का वीडियो बनाएं, तो आप कौन सा मेला अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि जाने से तभी आपको बताता कि हाँ वो मेला, तो
क्या कर सकते हैं, छोड़ो भाई अगले साल आएगा फिर, क्योंकि भाई को जाने का इच्छा था तो मना नहीं कर सकते, क्योंकि उसके वजह से मैं बहुत ज़्यादा घूमा हूँ फिरा हूँ, वो दुकान पर रहता तभी मुझे मौका मिलता है, तो एक दिन के लिए सेक्रीफाइस कुछ भी नहीं, तो आज घर पर ही सब कुछ रह के करना पड़ेगा। तो अभी जस्ट यहाँ पर कितना ज़्यादा कपड़ा मैंने निकाल कर रखा था, ये देखिए एक कस्टमर आया था तो ऑलमोस्ट बहुत सारा मिला दिया मैंने, एंड ये सब थोड़ा बहुत बाकी है जो कि मिलाना है मुझे, और थोड़ा बहुत सेलिंग हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा बात है, सेलिंग तो होना ही चाहिए, दुकान खोला है तो सेलिंग होना ही पड़ेगा। हो गया, हाँ ये थोड़ा सा फटा हुआ था इधर में अंदर में, ये आपका 2-in-1 है तो अंदर में थोड़ा सा पॉकेट फटा हुआ था, तो वही पापा को दिया था सिलाई करने के लिए, एंड ये देखिए सिलाई हो चुका है। सो अब ये सबको पैक करके उसके बाद मिला देना है, एंड ऑलमोस्ट टाइम भी हो चुका है, और मेरा दुकान बंद करने का टाइमिंग है 6:30, तो समय हो चुका है, और देखिए पूरा अंधेरा 6:30 में भी, और मेरा कुछ फ्रेंड्स है जो कि साउथ में है, उसके बाद वेस्ट में, उन लोग का तरफ जब भी वीडियो कॉल के बात करता हूँ ना अभी के समय, तो भाई पूरा मस्त उजाला, पर हमारे यहाँ तो एक्चुअली क्या ना, सूरज जल्दी निकलता भी है और जल्दी डूब भी जाता है, तो खैर अपना ये काम को खत्म करते हैं, मिला लेते हैं सब कुछ। अभी घर पर आ चुका हूँ दुकान वगैरह बंद करके, एंड भाई चला गया है मेला घूमने के लिए, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एंड आप सभी को बता दूँ मैंने रिसेंटली एक नया जैकेट लिया अपने दुकान से, कैसा है जरूर बताइएगा, एकदम मस्त प्लेन, और इतना ज़्यादा ये गर्म नहीं कर रहा बट नहीं हल्का हल्का जो भी ठंडा वगैरह हो ना वो ख़त्म करते रहे, ऐसे अगर घर पे रहना होगा ना तो सबसे बेस्ट है, इसलिए मैंने ये चूज़ किया, और वैसे मेरे पास ये मोटा वाला इसलिए मैंने नया नहीं लिया, क्योंकि जब ये है ही तो क्यों पैसा वेस्ट करना है, जिसके पास पैसा है उसका तो बात अलग ही है, तो आप ज़रूर बताना कि ये मेरा कपड़ा कैसे हुआ, और आपको सुबह दोपहर के समय दिखाया था कि टीवी बना रहे थे ना, एंड अभी तक टीवी सही से नहीं चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम हुआ। आज हम लोग का सिलेंडर खत्म हो गया इसीलिए आज चूल्हा पर बना रहे, वैसे एक चीज़ बता दो, चूल्हे पर जो खाना बनता है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनता है, तो खाना कौन पका रहे, सबीना और सकीना मिलकर दोनों ये लोग मटन पका रहे, और मटन देखिए बिना फिल्टर का मटन देखिए कैसा दिख रहा है तो यहाँ पर ये मटन बन रहा है आज खाने के लिए, और यहाँ पर दूध जो कि मेरा दीदी के लिए, और टीवी का हाल देखिए ये दोस्तों, बिना चले हुए इसमें पटाखा फूट रहा है ओ आ गया भाई पिक्चर आ गया, पर ये बॉम्ब वॉम्ब फूट रहा है, इसके क्या करेगा सगीरा पूरा बॉम्ब वगैरह छूट रहा है, और उसके बाद ये वाला जो खराब होता है ना, इसके बाद हमने स्विच वगैरह भी चेंज किया था, उसके बाद इसमें प्रॉब्लम आया था, उसके बाद इस सब में प्रॉब्लम, क्योंकि ना बहुत दिनों से ये बंद था ना, जिसकी वजह से हाँ आवाज़ रुकी है पर आवाज़ नहीं आ रहा, शायद इसका कुछ प्रॉब्लम होगा क्या, बहुत डर ही लग गया भाई, ये कुछ इसका प्रॉब्लम होगा शायद, जैसे तैसे हमने ठीक कर दिया, बट इसका एक्चुअली ना इसका प्रॉब्लम है, ये वाला थोड़ा सा हिलाने से ना दिवाली फिर से शुरू हो जाता है, टीवी में दिवाली होने लगता है, तो अब जैसे तैसे करके इसको ठीक कर दिया हमने, एंड देखते हैं ये नया लाना पड़ेगा तभी जाके ये चलेगा अच्छे से। ये रहा आज का मटन, और देखिए कितना ज़्यादा, देख के कैसा कैसा आ रहा है भाई बताना, थोड़ा सा आप अच्छे से देखो, देख के तो अब भी खाने का इच्छा कर रहा, पर थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा क्योंकि अम्मी नहीं आए ना अम्मी एक्चुअली गया है अभी गीत गाने के लिए, यहाँ पर शादी होने वाला है कुछ दिन बाद है शादी है, तो पता है बिहारी लोगों में मतलब गाना वगैरह गीत वगैरह चलता है, जिसकी वजह से हाँ किस में चेंज करना पड़ेगा फिर, नहीं हमको लग रहा है ना वो खराब है कोट, उसके वजह से ऐसा हो रहा है, चेंज करेगा उल्टा करेगा बंद कर करता, इसको हमने जस्ट उल्टा कर देना तो अभी सही हो गया, अभी दिवाली नहीं बन रहा है एकदम मस्त है, पर नया लगाना पड़ेगा ना, अब थोड़ा सा लूज लग रहा है, पिक्चर हिल रहा है, बीच बीच में पटाखा मारा, ओ मार दिया वो कोट चेंज करना पड़ेगा तब जाके हो जाएगा, ओ दिवाली शुरू हो गया दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं जहां हमारी अम्मी और गांव के मतलब हमारे आसपास के सभी लोग गीत गा रहे हैं, वहां पर आया हूं, और यहां पर देखिए बच्चे लोग भी आ, और यहां पर बारबी हमारा सबीना यहां पर भी आई है गीत गाने के लिए, हाँ हाँ इसको उसको याद आ रहा है सब, देख रहा है
जोर से गाओ। A few inches later. तो चिकन जैसा लग रहा है मिठू ना? देखो। बहुत टेस्टी है। कहीं बना लेते हैं। ऐसे सूखा सूखा बना के खाना मजा। बोल। भातों को तो हो जाएगी। जोटल। तन तन ऐसी जो अभी छान के खाना। तन तन साथ के खाए कल। अब इतना भात, अरे भात ना बन रहा। जैसे पानी पूरा एक लगा खा जाता। हेतरे से खाई इतना हो जाएगी। ज्यादा झोल होने से भी अच्छा नहीं लगता। तेरे को पानी अलग और मसाला अलग पड़ेगा। ऐसे मत बोलिए। हेतरे से इतना समझ जा। ऐसे वो तीसरे में आदत नहीं है। हमारा बुलबुल है ना, जो कुछ दिन पहले जब आए थे फर्स्ट टाइम, तो भाई मीट वीट छूते नहीं थे, बट आज ने लिटरली 200 ग्राम से ज्यादा मीट खाया उसने। कच्चा खा दिया। कच्चा पका भी नहीं, कच्चा खा दिया। और एक चीज गाइस, यहाँ पर टीवी चल रहा है, बट टीवी का कोई मतलब ही नहीं। हम लोग सब एक साथ बैठ के बातचीत कर रहे, वही सबसे बड़ा। टीवी क्या ऐसे बना के उसको लगता है दिखावटी हो गया। घर का शो, हाँ बस वही टीवी है बोल का। बाकी सभी हमें गप्पे सप्पे मार के अपना समय बीत रहा है। हम सभी लोगों का खाना पीना हो चुका है, एंड आपने देखा हम लोग सभी लोग एक साथ मिलकर बैठ के ऐसे ही खाना खाते हैं। जब भी मौका मिलता है तो हम लोग मौका का फायदा जरूर उठाते हैं। और वैसे आज टीवी लगाया था, टीवी का कोई मतलब ही नहीं रहा, बस घर पे एक क्या बोलते हैं शो जो भी, हाँ मतलब वो समझ लो, तो बस ऐसे नाम के लिए टीवी रखा हुआ था। बाकी सब हम लोग मस्ती से बातचीत करके खाना खाए और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा स्पेंड करके टाइम अपने फैमिली के साथ। तो आप लोग भी ऐसा स्पेंड कीजिएगा, काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि एक पल जो चला गया सो फिर कभी नहीं आएगा दोबारा। तो ये रहा अपना बेड जो कि अभी मैं सोने वाला हूँ, और ये रहा जो वीडियो मैं अभी एडिट करने वाला हूँ। तो अभी मुझे एडिट भी करना पड़ेगा, एंड अभी आपके रात के 10 बज चुके हैं, एंड अभी तक हम भाई के वेट कर रहे हैं कि कब तक आएगा, पता नहीं अब कब तक आएगा। अभी इंतजार नहीं करते रहेंगे, वो आएगा तब आगे सो जाएगा। तो फिलहाल गाइस आज के व्लॉग में बस इतने ही। आपको ये व्लॉग कैसा लगे जरूर कमेंट करके बताएं, एंड जल्द मिलेंगे और एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।